हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित केसरी, फाउंडर ऑफ अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स एंड योर टैली जेस्टिटेनर। गाइस, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में फॉल करेगा। दैट इज लेजर्स की जब हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, जब टैली में हम लोग लेजर्स क्रिएट करते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन पूछता है अंडर, मतलब वो लेजर किस ग्रुपिंग में फॉल करेगा, वो चीज़ें आज के लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे। बिकॉज मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि एक बार अगर आप वाउचर्स गलत सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस रिपोर्टिंग पार्ट गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ग्रुपिंग गड़बड़ कर रखी है तो उस केसेस में आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट पूरा गड़बड़ हो जाएगा। दैट इज द आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये पूरा का पूरा एरर हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ग्रुपिंग बहुत ध्यान से सीखना है और इसको बहुत ही ध्यान से, जब भी आप लेजर्स बनाएंगे तो ग्रुपिंग को बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है। एक एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपने ग्रुपिंग गड़बड़ किया तो क्या प्रॉब्लम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस का असेट है और आपको इसकी ग्रुपिंग करनी चाहिए थी फिक्स्ड असेट में, लेकिन आपने इसकी ग्रुपिंग परचेज अकाउंट में कर दिया, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि ये फिक्स असेट आपके बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, लेकिन बैलेंस शीट में ना दिख के ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। करेक्ट गाइस? तो इस वजह से पूरा का पूरा रिपोर्टिंग पार्ट गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से आप जब भी ग्रुपिंग करेंगे तो बहुत ही ध्यान से ग्रुपिंग करेंगे। आइए टैली में हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से कौन सा लेजर किस ग्रुप में फॉल करेगा, या अदर वर्ड्स में बोलें कि किस ग्रुप में कौन कौन सा लेजर्स आएगा। तो चलिए चलते हैं टैली स्क्रीन पे। गाइस, ये हमारा टैली स्क्रीन से है, ठीक है। इस टैली स्क्रीन्स पे आप सबसे पहले हम लोग लेजर्स पे जब जाते हैं, अकाउंट इन्फो लेजर एंड क्रिएट पुट करेंगे, अकाउंट इन्फो लेजर्स एंड क्रिएट, करेक्ट। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई भी अगर हम लोग लेजर्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ हमने प्लांट एंड मशीनरी का एक लेजर्स बनाया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, करेक्ट गाइस। प्लांट एंड मशीनरी का एक अकाउंट हमने बनाया। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि प्लांट एंड मशीनरी कौन से अकाउंट में फॉल करेगा। यहाँ पे पूरे लिस्ट ओपन हो चुके हैं ग्रुप के, कि कौन सा कि ये टोटल ग्रुप्स यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, 28 ग्रुप्स होते हैं, ये ओपन हो चुका है। तो आपको समझना है कि ये इस ग्रुप में कौन कौन से लेजर्स आते हैं। तो चलिए वन बाय वन इस ग्रुप को उठाते हैं और देखते हैं कौन कौन से लेजर्स पर्टिकुलर ग्रुप में फॉल करेगा। बैंक अकाउंट, फर्स्ट वन इज द बैंक अकाउंट, करेक्ट। फर्स्ट वन इज द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के ग्रुप में बैंक से रिलेटेड जितने भी आपके लेजर्स हैं, वो सारे लेजर्स, बैंक से रिलेटेड लेजर्स बैंक अकाउंट में फॉल करेंगे। सेकेंड वन इज द बैंक ओसीसी, ओवर कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट अकाउंट, आपके बैंक में सीसी अकाउंट होता है, करेक्ट गाइस। तो अगर आपके सीसी एक प्रकार का लोन अकाउंट होता है बैंक में, करेक्ट। एक बार हम लोग आगे के लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कितने टाइप्स के बैंक लोन होते हैं, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, किस बेसिस पे बैंक आपको लोन सेंक्शन करता है, वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर्स में आगे के लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ बैंक ओसीसी में सीसी के जो अकाउंट होंगे वो बैंक ओसीसी में आएंगे। नेक्स्ट वन इज द बैंक ओडी अकाउंट, करेक्ट गाइस। नेक्स्ट वन इज द बैंक ओडी अकाउंट। बैंक ओडी अकाउंट में कौन कौन से आएंगे आपके, बैंक ओडी भी एक तरीके का लोन अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, ओडी मींस ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो ओडी अकाउंट, जो भी आपने ओडी फैसिलिटी ले रखा है बैंक से, ओवरड्राफ्ट एक प्रकार का ये भी एक लोन अकाउंट है, तो अगर आपका ओडी अकाउंट है तो आप यहां पे पुट करेंगे। नेक्स्ट वन इज द ब्रांच एंड डिविजन। अगर आपके बिजनेस के ब्रांचेस हैं तो उस ब्रांच का जो लेजर आप ओपन करेंगे वो ब्रांच एंड डिविजन में आएगा। जब ब्रांचेस होते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी ब्रांच में गुड्स भेज दिया, किसी ब्रांच से गुड्स मंगा लिया, तो उस केसेस में ब्रांच के लेजर्स को हमें ओपन करना पड़ता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो वहां पे ब्रांच का जो लेजर ओपन होगा वो ब्रांच एंड डिविजन ग्रुप में ओपन होगा। नेक्स्ट वन इज द कैपिटल अकाउंट। ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि ओनर को जो अकाउंट होता है, ओनर का अकाउंट, वो कैपिटल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। तो ओनर्स का जो लेजर्स आप बनाएंगे वो कैपिटल अकाउंट में आप पुट करेंगे, करेक्ट गाइस। नेक्स्ट वन इज द कैश इन हैंड। कैश की जो लेजर होती है उसकी ग्रुपिंग कैश इन हैंड में होता है। नेक्स्ट वन इज द करेंट असेट्स।
गाइस अगर हम असेट की बात करें तो असेट टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका फिक्स्ड असेट, दूसरा होता है करंट असेट। क्लियर गाइस, एक होता है आपका फिक्स्ड असेट, दूसरा होता है करंट असेट। आइए स्क्रीन में डिटेल्ड में सीखते हैं कि फिक्स असेट्स कैसे पहचानेंगे, कौन सा असेट फिक्स्ड है और कौन सा असेट करंट है। करेक्ट गाइस, हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं फिक्स्ड असेट्स एंड करंट असेट्स। एक होता है आपका फिक्स्ड असेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आइडेंटिफाई करना कौन सा फिक्स्ड असेट्स है, और दूसरा होता है गाइस आपका करंट असेट। करेक्ट, एक हो गया आपका फिक्स्ड असेट्स और दूसरा हो गया करंट असेट। ठीक है गाइस, फिक्स्ड असेट्स एंड करंट असेट्स, आप कैसे ये चीज को चेकआउट करेंगे कि ये फिक्स्ड असेट्स है या करंट असेट्स है, इसके लिए केवल आपको एक क्राइटेरिया देखना है, दैट इज द इंटेंशन। आपका इंटेंशन क्या है, दैट इज द इंटेंशन, इरादा क्या है गाइस, इस पे डिपेंड करता है कि आपका असेट फिक्स्ड है या आपका असेट्स करंट है। अगर आपका इंटेंशन किसी भी असेट को 12 मंथ मींस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स कब से गिनेंगे, बैलेंस शीट डेट से नेक्स्ट 12 मंथ तक, अगर इसे कैश में कन्वर्ट करने का इरादा है, किसमें, कैश में कन्वर्ट करने का इरादा है, अगर ये चीजें यस हैं, कैश में कन्वर्ट करने का इरादा है, तो असेट कौन सा कहलाएगा गाइस, वो फिर करेंट असेट्स कहलाएगा। अगर ये अगर यस है तो, अगर नो है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकें, अगर नो है गाइस, क्या है नो, तो उस केस में वो क्या कहलाएगा आपका फिक्स असेट्स कहलाएगा। आपको यही देखना है कि जो दो असेट्स है उसका इरादा क्या है, क्या उसे हमें कैश में कन्वर्ट करना है, अगर कैश में कन्वर्ट करना है कब तक, नेक्स्ट 12 मंथ, कब से ये काउंट करेंगे, अपने बैलेंस डेट से नेक्स्ट 12 मंथ में काउंट करेंगे। अगर वो कैश में कन्वर्ट करने का इंटेंशन है तो उस केस में उसको हम लोग करेंट असेट्स बोलेंगे गाइस। अगर इंटेंशन 12 मंथ में कन्वर्ट करने का नहीं है, इंटेंशन हमारा कभी भी हमारा पेमेंट करने का इंटेंशन नहीं रहता है। करेक्ट गाइस, इंटेंशन हमारा पेमेंट करने का नहीं रहता है, तो यहां इंटेंशन की बात ना करके ऑब्लिगेशन की बात करेंगे। ऑब्लिगेशन मतलब हमारे ऊपर जिम्मेदारी, क्या नेक्स्ट 12 मंथ में पे करने कोई हमारे पर ऐसी लाइबिलिटीज है जिसे नेक्स्ट 12 मंथ में पे करने की लाइबिलिटीज है, अगर आंसर इज येस तो वो करेंट लाइबिलिटीज कहलाएगा, अगर आंसर इज नो तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज कहलाएगा। करेक्ट गाइस, आते हैं नेक्स्ट वन। तो इस तरीके से आपने देख लिया, आपको ये चेकआउट करने हैं कि क्या हमें लाइबिलिटीज को नेक्स्ट 12 मंथ में पे करना है, अगर पे करना है ऑब्लिगेशन है नेक्स्ट 12 मंथ, और ये जब भी नेक्स्ट 12 मंथ आप काउंट करेंगे बैलेंस शीट डेट से करेंगे, दैट इज द 31st मार्च, आपके जो करेंट ईयर का 31st मार्च है उसके नेक्स्ट 31st मार्च तक क्या हमें पे करने की लाइबिलिटीज है, ऑब्लिगेशन है, अगर आंसर येस में आता है तो वो करेंट लाइबिलिटीज कहलाएगा, और आंसर अगर नो में आता है तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज द डिपॉजिट असेट, नेक्स्ट वन इज द डिपॉजिट असेट। डिपॉजिट असेट मतलब अगर आपने कोई भी पैसा डिपॉजिट्स के रूप में रखा हुआ है, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के रूप में रखा है या कहीं पे एफडी करा के रखा है, कोई भी डिपॉजिट्स करा के रखा हुआ है तो उसका लेजर्स डिपॉजिट असेट्स में आएगा। करेक्ट गाइस, मैं इसको जूम कर दूं क्या इस ग्रुपिंग को, आपको और क्लियर होगा। डिपॉजिट्स में कौन कौन से आएगा, डिपॉजिट्स से ग्रुप में जो भी आपने डिपॉजिट्स कर रखा है वो आपके डिपॉजिट असेट्स में आएंगे। नेक्स्ट वन इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेक्स्ट वन इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस गाइस, नेक्स्ट वन इज द डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दो टाइप्स के एक्सपेंसेस होते हैं, इसको भी बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। आइए हम लोग ब्लैक स्क्रीन में देखते हैं कि देखिए दो टाइप्स के एक्सपेंसेस होते हैं गाइस। एक होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो ये चीज बहुत आपको क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं। तो दूसरा हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब कौन सा एक्सपेंस डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, इसके लिए आपको एक क्राइटेरिया देखना है। क्या देखना है आपको क्राइटेरिया, कि ये मान लो बिजनेस है आपका, आपको चेक करना है कि ये गुड्स, जो भी चीजें गुड्स वगैरह आप परचेज कर रहे हैं, ये क्या है आपके बिजनेस का गुड्स है। करेक्ट, ये क्या है आपके बिजनेस का गुड्स है।
करेक्ट गाइस। अब ये गुड्स परचेज करके आपके शॉप तक, ये मान लो आपका शॉप है, आपका गुड्स परचेज करके आपके शॉप तक लाने का खर्चा है या उसके बाद का खर्चा है गाइस, ठीक है। अगर ये शॉप तक का खर्चा है तो इसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे, अगर ये उसके बाद का खर्चा है तो उसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। मतलब गुड्स को परचेज करके उसको शॉप तक लाने का एक्सपेंसेस अगर है तो उसे डायरेक्ट बोलेंगे, और उसके बाद का खर्चा है उसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गुड्स परचेज किया है और गुड्स को परचेज करके मान लीजिए आपने लेबर चार्जेस दे दिया जिसको वेजेस बोलते हैं, तो गुड्स को परचेज करके शॉप तक लाने का खर्चा है वेजेस, तो वेजेस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन अगर आपने जो अपने ऑफिस में जो क्या लगाए हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, करेक्ट गाइस, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, टेलीफोन बिल, टेलीफोन चार्जेस जो लग रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लग रहे हैं, ये सब क्या है, ये बाद के खर्चे हैं, गुड्स को शॉप तक लाने का कोई खर्चा नहीं है। बस आपको एक चीज देखने के, जो भी खर्चे हो रहे हैं क्या उसको गुड्स को शॉप तक लाने का खर्चा है, अगर उसका आंसर येस होता है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अगर उसका आंसर नो होता है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, करेक्ट। गुड्स को परचेज करके शॉप तक लाने का, या अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो गुड्स को मैन्युफैक्चर से लेके आपके शॉप तक आने का जो भी खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कहने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, करेक्ट गाइस। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में आता है। इनकम, नेक्स्ट वन इज द डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम मीन्स आपके बिजनेस का जो मेन इनकम है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इनकम, ठीक है। जो आपका रेगुलर इनकम है उसे डायरेक्ट इनकम बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज द ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है गाइस। तो ड्यूटीज मत एंड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपको क्या देखने हैं, जितने भी टैक्सेशन टाइप के लेजर्स होंगे वो किस में आएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएंगे, ठीक है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्या आएंगे, टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी लेजर्स हैं वो ड्यूटीज एंड टैक्सेशन में आएंगे। नेक्स्ट वन इज द एक्सपेंस डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलिए या एक्सपेंस डायरेक्ट बोलिए, बात एक ही है। एक्सपेंस इनडायरेक्ट बोलिए गाइस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलिए, बात एक ही है। नेक्स्ट वन इज द फिक्स असेट्स। ऑलरेडी आपको बताया करेंट असेट्स क्या होता है एंड फिक्स असेट्स, ऑलरेडी हमने बताया फिक्स असेट्स क्या होता है। तो अगर आपके फिक्स असेट्स हैं तो आपको फिक्स असेट्स में ग्रुपिंग करना है। इनकम डायरेक्ट बोलिए गाइस, इनकम डायरेक्ट बोलिए या डायरेक्ट इनकम बोलिए, बात एक ही है। इनकम इनडायरेक्ट, जो आपके बिजनेस का रेगुलर इनकम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका मेन बिजनेस क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, फीस अर्न करना आपका क्या है, डायरेक्ट इनकम है। लेकिन अगर आपने उस पैसे को बैंक में डिपॉजिट एफडी करा रखा हुआ है या किसी को लोन दे रखा हुआ है, उससे जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट इनकम बोलेंगे, बिकॉज वो आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। अगर आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू भी हो जाता है तो भी आपका इंटरेस्ट इनकम आता रहेगा, करेक्ट गाइस। तो अगर आपके बिजनेस का डायरेक्ट इनकम है तो उसे डायरेक्ट इनकम में रखना है, और इनडायरेक्ट इनकम है तो इनडायरेक्ट इनकम में रखना है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट वन इज द इन्वेस्टमेंट गाइस। इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं गाइस, इन्वेस्टमेंट मींस आपने कहीं पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है, किस पर्पस के लिए, फॉर द अर्निंग इंटरेस्ट, रेंट या कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है गाइस। या तो आपने इंटरेस्ट अर्न करने के लिए कहीं पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे आपने बैंक में इन्वेस्ट कर रखा है इंटरेस्ट अर्न करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। कोई प्रॉपर्टीज बना रखी है रेंट अर्न करने के लिए, उसको लेट आउट करेंगे और रेंट अर्न करेंगे, तो वो पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। या कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है कि जब शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो हम उसे बेच के पैसा अर्न करेंगे, या लैंड में लगा रखा है कि जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो उसे सेल आउट करके हम पैसा अर्न करेंगे, या डिविडेंड अर्न करने के लिए आपने शेयर में पैसा लगा रखा है डिविडेंड अर्न करने के लिए, तो इस टाइप का इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है, तो वो आप इन्वेस्टमेंट के अंडर में ग्रुपिंग करेंगे। नेक्स्ट वन इज द लोन एंड एडवांसेस असेट। अगर आपने किसी को लोन दे रखा हुआ है, करेक्ट गाइस, लोन दे रखा हुआ है
तो वो लोन एंड एडवांसेस असेट में आएगा। लोन ले रखा हुआ है, आपने लोन लिया है, तो उस केस में वो लोन्स लायबिलिटीज में आ जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स, ये क्या होता है गाइस? मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स क्या होता है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स मतलब होते हैं कि जो एक्चुअल में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको एग्जांपल समझाता हूँ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, जो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले के खर्चे है, दैट इज कॉल्ड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जिसको एक टाइप का असेट्स होता है, बिकॉज इसका बेनिफिट हमें मोर देन वन ईयर मिलता है, दैट इज कॉल्ड असेट्स। तो इस वजह से अगर आपके कोई इस टाइप के खर्चे है, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले के खर्चे है, तो उसे हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंडर में ग्रुपिंग करेंगे। करेक्ट गाइस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंडर में ग्रुपिंग करेंगे। नेक्स्ट वन प्रोविजंस, नेक्स्ट वन इज द प्रोविजंस। प्रोविजंस क्या होता है? हर वो एक्सपेंस जिसका होना सर्टेन है, मतलब ये एक्सपेंस होगा ये सर्टेन है, लेकिन कितना अमाउंट होगा ये सर्टेन नहीं है, तो उस केस में उसका हम लोग प्रोविजंस बनाते हैं। जैसे प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स, पैसे का डूब जाना, क्या बनाते हैं हम लोग यहां पे? प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स। करेक्ट गाइस, पैसे का डूब जाना क्या कहलाएगा आपका? बिकॉज हमें यह पता है कि पैसा डूबेगा, ये पता है, लेकिन कितना इस साल पैसा डूबेगा वो कंफर्म नहीं है, तो उस केस में उसको हम लोग बोलेंगे, आप उसके लिए क्या बनाएंगे? प्रोविजंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे गाइस? प्रोविजंस बनाएंगे। नेक्स्ट वर्ड परचेज अकाउंट। परचेज का जो लेजर्स आप बनाओगे उसकी ग्रुपिंग कहाँ होगी? परचेज अकाउंट्स में होगी। रिजर्व्स एंड सरप्लस, आपके बिजनेस के जो रिजर्व्स आपने बना रखे हुए हैं, जो सरप्लसेस हैं, मतलब एक्सपेंसेस से ज्यादा जो अर्निंग है, एक्स्ट्रा अर्निंग है, उसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में बनाते हैं। अपने फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेथन करने के लिए हम लोग रिजर्व्स बनाते हैं। जैसे रिजर्व मतलब सेविंग करके आपने जो फंड बनाया है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। तो वो किस में आएंगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएंगे। नेक्स्ट वन इज द रिटेन्ड एंड रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग गाइस मतलब कि अगर आपने जो भी अर्निंग किया है, आप कंपनी है, ठीक है, और आपने जो भी अर्निंग किया है, जितना पार्ट आप अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, ठीक है, और जो पार्ट आप अपने पास रखते हैं बिजनेस में री इन्वेस्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिटेन्ड अर्निंग मीन्स होता है कि जो पैसा आपने डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को नहीं दिया है, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग का लेजर्स आपके रिटेन्ड अर्निंग में आएगा। नेक्स्ट वन इज द सेल्स अकाउंट। सेल्स से रिलेटेड लेजर, जो आपका सेल्स अकाउंट है, लेजर्स है, उसकी ग्रुपिंग सेल्स अकाउंट में आएगी। नेक्स्ट वन इज द सिक्योर लोन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोन फ्रेंड्स। फर्स्ट वन इज द सिक्योर्ड लोन एंड सेकेंड वन इज द अनसिक्योर्ड लोन। अगर आपने सिक्योरिटी लेके लोन दिया हुआ है या लोन लिया है, ठीक है, अगर आपने सिक्योरिटी दे के लोन लिया है, दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड लोन। जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तो उस केस में उस सिक्योरिटी को हम, उस लोन को बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। और अगर आप फ्रेंड्स वगैरह से लेते हैं या कहीं ऐसी जगह से लोन लेते हैं जहां पे आपको सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, तो उसे अनसिक्योर्ड लोन बोला जाता है। नेक्स्ट वन स्टॉक इन हैंड गाइस। स्टॉक इन हैंड, स्टॉक का लेजर्स क्या कहलाता है आपका? किसके अंदर में ग्रुपिंग होता है स्टॉक का लेजर्स? स्टॉक इन हैंड में। नेक्स्ट वन सन्डरी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब होता है लेनदार, जो आपके बिजनेस से पैसा लेगा, दैट इज द योर सप्लायर्स, जो आपको उधार में गुड्स देता है, तो उसकी ग्रुपिंग जो होगी वो सन्डरी क्रेडिटर्स में होगी। सन्डरी वर्ड यूज क्यों करते हैं? सन्डरी मीन्स मोर देन वन, बहुत सारे। सन्डरी मतलब बहुत सारे, मिसलेनियस। तो यहां पे चूंकि हमारे सप्लायर एक नहीं होते, किसी एक बंदे से अपन गुड्स नहीं खरीदते, कई लोग से गुड्स खरीदते हैं, इस वजह से इसकी ग्रुपिंग, इसका नाम जो रखा गया है वो सन्डरी वर्ड रखा गया, सन्डरी डेटर्स, सन्डरी क्रेडिटर्स। तो अगर आपके जो सप्लायर है वो सन्डरी क्रेडिटर्स में आएंगे, और आप जिसको गुड्स उधार में दे रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके सन्डरी डेटर्स कहलाएंगे, कस्टमर, वो आपका असेट्स है, सन्डरी डेटर्स। करेक्ट गाइस। और सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या कहलाएगा? मान लो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं या कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसको आपको पता नहीं चल पा रहा है कि इस ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, ठीक है। नॉर्मली ये चीजें बैंक के जब आप पासबुक के स्टेटमेंट में देखते हैं, और आपके बैंक स्टेटमेंट से फॉर एग्जाम्पल 10,000 rupees डिडक्ट हो चुका है, बट आपको पता नहीं है कि इस ये डिडक्शन कहाँ से हुआ है, तो उस केसेस में आप, जब तक आपको ध्यान नहीं आ रहा है कि डिडक्शन कहाँ से हुआ है, आपको रिमाइंड नहीं हो पा रहा है, तब तक आप उसका लेजर्स भी सस्पेंस रखेंगे और उसकी ग्रुपिंग को भी सस्पेंस अकाउंट में रखेंगे। करेक्ट गाइस। तो इस तरीके से हमने देखा, एक और ग्रुपिंग है, मैं आपको दिखाता हूं।
एक ग्रुपिंग है अनसिक्योर्ड का, जो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है, लास्ट वन इज द अनसिक्योर्ड लोन। मैं इसको जूम कर देता हूं, वैसे ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन, गाइस अनसिक्योर्ड लोन क्या हो जाएगा आपका, वही अगर सिक्योर्ड नहीं है, फ्रेंड्स वगैरह से लोन लिया हुआ है, तो वो आपका अनसिक्योर्ड लोन के अंडर में आएगा। तो गाइस आपने देखा कि कौन सा लेजर किस ग्रुप पे फॉल करेगा, या दूसरे शब्दों में बोले हमने सारे ग्रुप्स को डिस्कस कर लिए, तो आप क्लियर हो गए होंगे कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में फॉल करेगा, ठीक है। जैसे अगर आप बिल्डिंग परचेज करते हो फिक्स असेट्स में आएगा, फर्नीचर परचेज करते हो फिक्स असेट्स में आएगा, परचेज का लेजर परचेज अकाउंट में आएगा, सेल्स का लेजर सेल्स अकाउंट में आएगा, बैंक से रिलेटेड लेजर बैंक के ग्रुपिंग होगी बैंक अकाउंट में बैंक के ग्रुप में आएगा, करेक्ट गाइस। तो आई होप आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में फॉल करता है। और अभी भी आप अगर एंट्री करते समय कहीं भी डाउट होता है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस करिए, मैं आपको आंसर दूंगा उसका विद लॉजिक, करेक्ट गाइस। तो आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आया होगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।